तो इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर कायम रहें और उसी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मजमूए को इस जमाने में मसलक आला हजरत कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब से ये डुप्लीकेट सुन्नी पैदा हो गए तभी से एक पहचान और अलामत कायम करने की जरूरत पड़ गई। जब तक डुप्लीकेट सुन्नी नहीं आए थे सब सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन जब जब ओरिजिनल सुन्नियों के साथ साथ डुप्लीकेट सुन्नी पैदा हो गए तो इन डुप्लीकेट सुन्नियों से इम्तियाज के लिए अलामत और निशानी की जरूरत पड़ गई। उसी अलामत और निशानी का नाम है मसल के आला हजरत। अल्लाह के नबी ने अपने जमाने में भी एक निशानी बयान फरमाई थी, आयतुल मोमिने हुब्बुल अंसार व आयतुल मुनाफिके बुग्ज़ुल अंसार। एक मोमिन की पहचान यह है कि वो अंसार से मोहब्बत करे और एक मुनाफिक की पहचान यह है कि वो अंसार से बुग्ज़ अदावत रखे। पता चला कि अलामतें हर दौर में मुकर्रर की गई, इसीलिए जब शिया पैदा हुए, इसीलिए जब खारिजी पैदा हुए तो इन शियों और खारिजियों से इम्तियाज के लिए दो अलामतें बनाई गई, हुब्बुल तफजील शैखैन हुब्बुल खतानैन। जो शैखैन की फजीलत का एतराफ करे, नबी के दोनों दामादों से मोहब्बत करे, वही हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात है। और जिसमें ये दोनों अलामतें ना पाई जाए वो हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। हर दौर में अलामतें मुकर्रर होती रही, अलामतों के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती। कल भी हम ही अहले सुन्नत थे और आज भी हम ही अहले सुन्नत है और क़यामत जिस अकीदे पर हम लोग चल रहे हैं उन्हीं अकीदे पर चलने वाले अहले सुन्नत रहेंगे, लेकिन अलामतें बदलती रहेंगी। इस दौर में डुप्लीकेट सुन्नियों से पहचान के लिए मसलक आला हजरत अलामत है, क्योंकि आज मार्केट में जितने भी बातिल फिरके पाए जा रहे हैं वो सब अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। अहले हदीसों से पूछो तुम क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। देवबंदियों से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। चक्रालवी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। नेचरी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी है। मौदूदी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। इन तमाम बातिल फिरकों से तुम पूछोगे तो जवाब में यही मिलेगा, हम सुन्नी हैं। लेकिन किताबें उठाकर देखो, अल्लाह रसूल की बारगाह के गुस्ताख है, जरूरियात दीन के मुनकिर हैं। जो अल्लाह रसूल की बारगाह में गुस्ताखी करे वो सुन्नी नहीं हो सकते, वो हनफी नहीं हो सकते, लेकिन ये अपने आप को सुन्नी कहते हैं। और मौदूदी तो अपने आप को हनफी भी कहते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को हनफी भी कहता था लेकिन वो कुफरी अकीदा भी रखता था। जो खुद काफिर हो न सुन्नी हो सकता है न हनफी हो सकता है। ऐसे डुप्लीकेट सुन्नियों और हनफियों से पहचान के लिए एक अलामत की जरूरत थी और उसी अलामत का नाम इस दौर में मसलक आला हजरत।